उज्जैन के बनगर रोड पर अभ्युदयपुरम में 2 दिवसीय कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु जैन समाज के कार्यक्रम में पहुंचे। दरअसल पूरा मामला सरकारी जमीन पर भूमाफिया को कब्जे में है। शिकायतकर्ता ने भूमाफिया द्वारा सरकारी जमीन पर कब्जे की बात बताई और इसकी शिकायत विगत दिनों कलेक्टर में की थी। हालांकि सरकारी जमीन तो सरकार की है, विगत दिनों जो आदेश हुए थे उसके अनुसार जमीन को प्रशासन को खाली करवाना था, मगर ऐसा हुआ नहीं। एडीएम पवन जैन ने बताया कि सरकारी जमीन को हम जल्द से जल्द भूमाफिया मुक्त करवा लेंगे। इंदौर से देवेंद्र खन्ना की रिपोर्ट। वो उनको बताया गया, एसडीएम राव को बताया, दो लोग का सरकारी जमीन पे कब्जा उन्होंने, एसडीएम ने मुझे चर्चा करके बताया है, वो दोनों को खाली कराएंगे। सरकार की जमीन पे कब्जा किसी का सहन नहीं हुआ। मेरे द्वारा पूर्व में शासकीय भूमि पे अवैध कब्जे की जानकारी दी गई थी, तो आज श्रीमान अपर कलेक्टर महोदय से मेरी चर्चा हुई जन सुनवाई में, तो मैंने उनको ज्ञात करवाया कि उसके पड़ोस में ही मेरी स्वयं की भूमि है और मैंने सभी प्रकार कागज जो दस्तावेज थे मैंने दिखाए, और जो पड़ोस में अंसारी है कब्जाधारी वो मुझे न वहाँ कार्य करने दे रहे हैं, मुझे न मुझे मजदूरों को कार्य करने दे रहे हैं और मुझे भी जान से मारने की धमकी दे रहे हैं कि आपने अगर कार्य करा तो आपको नहीं छोड़ेंगे हम। साहब ने श्रीमान एसडीएम महोदय साहब को इसकी जानकारी दी और जांच करने के आदेश दिए। किस प्रकार की धमकी दे साहब जान से मारने की? मैंने क्या उनके खिलाफ शासकीय भूमि अवैध कब्जे की शिकायत करी थी श्रीमान कलेक्टर महोदय एसडीएम साहब और सीएसपी अन्नपूर्णा राजेंद्र नगर थाना प्रभारी को। कल से अगर मुझे किसी भी प्रकार का कोई हानि होती है तो आरिफ मंसूरी और उनके भाई अस्सू भाई वगैरह उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। नरेश डोडेजा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।